रत्नचंद अशार कुमार बारा बंकी साहब के, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पोइट। कुमार उनका तखलुस था क्योंकि वो पीते पिलाते ज़्यादा थे और कुमार में रहा करते थे हर वक्त। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने पीने पिलाने को खैर बात कह दिया। और इन अशारों में जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, एक शेर में आप देखिएगा, यही रिफ्लेक्शन जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। लीजिए, पेश खिदमत है कुमार बारा बंकी साहब के चंद अशार। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ये कहना कि उनसे मोहब्बत है हमको, ये कहना कि उनसे मोहब्बत है हमको, ये कहने में हमको जमाने लगे हैं। सुना है कयामत करीब आ चुकी है, सुना है कयामत करीब आ चुकी है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। ये शेर है जिसमें उन्होंने ही डिसाइडेड टू क्विट ड्रिंकिंग, उन्होंने शराब से तौबा कर ली पीने पिलाने से। तो ये खूबसूरत बात सामने अशार क्यों चो आप अदब से और काफ़ी वाकिफ़ होंगे, शेर शायरी में भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी होगी। और अशार और शेर शायरी की ख़ास बात ये होती है कि इनकी टाइमिंग अगर सही हो जाए तो ये हिट हो जाते हैं। कहीं भी आप महफिल में बैठे हों, इंटरव्यू के दौरान या किसी भी बातचीत के दौरान, किसी अच्छी महफिल में, तो आप वहाँ पर टाइमिंग से अशार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से क्रिकेट में टाइमिंग होती है, इफ़ द टाइम गोज राइट द शॉट गोज राइट, टाइम के साथ ही शॉट खूबसूरत होता है। फुटबॉल में भी एक बहुत बड़ा नाम फुटबॉल में आपने सुना होगा, जिसको हम उर्दू में काला मोती भी कहा करते थे, पेले फ्रॉम ब्राज़ील। ही वॉज द हाइएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन ऑफ दैट टाइम। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इनकी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी और इनके सारे सेंसेस बहुत एक्टिव होते थे। और पेले ने ख़ुद भी एक दफ़ा कहा कि जब मैं बॉल लेके चलता था और किस वक्त गोल कर दिया करता था, ये मुझे ख़ुद पता नहीं होता था। तो दिस शोज द हिज माइंड सेट, उस वक्त क्या उनका वो क्या हाइपर, कितने हाइपर एक्टिव होते होंगे कि उनको खुद नहीं पता होता था। इस तरह से उनके सारे सेंसेस बहुत एक्टिव हुआ करते थे। और एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े सॉकर प्लेयर्स हैं, मैराडोना है, प्लेटिनी है, आजकल हमारे एक बहुत मशहूर प्लेयर जिनका पोर्चुगल से ताल्लुक है, रोनाल्डो, ये सब उनसे बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। तो ब्लैक पर्ल के नाम से पहले से आपको याद किया जाता था। तो मैंने सिर्फ बताने की ये बताना चाहा है यहाँ कि टाइमिंग जो है, दैट इज़ टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हर चीज़ में अगर टाइमिंग्स हैं और टाइम अगर ज़रा सी भी आउट हो जाए, इवन दो जो एक्सीडेंट्स रोड पर होते हैं वहाँ कोई आदमी एक नैरो स्केप कर जाता है, बाय द स्किन ऑफ द टीथ बच जाता है, वो अपने टाइमिंग उसके जो हवास होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं और उस टाइम से, और फिर अल्लाह ताला उसको बचाना भी चाहते हैं। तो ये अशार मैंने आपके सामने पेश किए इस उम्मीद के साथ कि आप ये के मियार पर ये अशार पूरे उतरेंगे, आप इनको पसंद फरमाएंगे। और जब पसंद आ गए तो फिर सब्सक्राइब करने में देरी क्यों, कर दीजिए, देखा जाएगा। तो लिहाजा अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे से सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।